अगर हम लोग एक बार इसको फुल चार्ज करते हैं तो हम लोग कितनी दूरी की कितना किलोमीटर हम लोग इससे सफ़र कर सकते हैं, और इसे फुल चार्ज करने में कितना टाइम लग जाता है? 0 से 100% चार्ज होने में। एक सुपर बाइक की तरह साउंड दिया गया है इसमें। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे सामने आज खड़ी है रिवॉल्ट की इलेक्ट्रॉनिक बाइक। जैसा कि पेट्रोल की प्राइस जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, उनके पॉकेट पे ज़्यादा दबाव ना पड़े उसको रखते हुए रिवॉल्ट ने एक गाड़ी निकाली है। और ये जो भैया है ये कंपनी से ही है, वो इस गाड़ी के बारे में क्लियर टू क्लियर सारा कुछ बताएंगे। गाड़ी में कितनी वाट की बैटरी मिलती है, कितना ये किलोमीटर चल सकती है, इसे चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा, वो सारा कुछ भैया बताने वाले हैं। तो भैया इस गाड़ी के बारे में आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये गाड़ी दो मॉडल में आती है, एक बेस मॉडल एक टॉप मॉडल। बेस मॉडल का फीचर्स ये है कि उस वो चाबी से स्टार्ट होता है, और सेकंड ये टॉप मॉडल, ये रिमोट फैसिलिटी दिया हुआ है, पुश बटन स्टार्ट दिया हुआ है, प्लस में मोबाइल कनेक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें कि आपको 4G कनेक्टिविटी मिलेगा, वॉइस कमांड मिलेगा, स्वाइप टू स्टार्ट मिलेगा, बाइक का पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, बाइक डायग्नोस्टिक दिया हुआ है। प्लस में इसमें बैटरी कितना वाट का मिल रही है? बैटरी इसका 3.24 किलोवाट का है, और मोटर है अच्छा 3 किलोवाट का ना। इसे हम लोग कितने दूरी तक जा सकते हैं? जो भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं आप ये बताइए कि अगर हम लोग एक बार इसको फुल चार्ज करते हैं तो हम लोग कितनी दूरी की कितना किलोमीटर हम लोग इससे सफ़र कर सकते हैं? बाइक 3 मोड में राइड करती है। फर्स्ट में इको मोड में राइड करती है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, ये साउंड अलग से दिया गया है? जी, एग्जॉस्ट साउंड दिया गया है। एग्जॉस्ट साउंड दिया गया है भाई, देख सकते हैं आवाज। तो इसमें 3 मोड है, एक है इको मोड, दूसरा सिटी मोड है, और तीसरा स्पोर्ट मोड। इको मोड में हम लोग कितने स्पीड तक जा सकते हैं? इको मोड में स्पीड लिमिट है 40 to 50, उसमें आपको 100% चार्ज में 140 किलोमीटर चलेगा। मतलब अगर हम लोग फुल चार्ज कर लेते हैं तो 140 किलोमीटर चला सकते हैं। और 2% अगर हम लोग इसमें ट्रेवल करें तो 120 से 25 किलोमीटर उसमें, मतलब 10 से 15 किलोमीटर घट जाती है, इंक्रीज माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी अच्छा है। लगभग अगर एक बार आप फुल चार्ज कर रहे हो और 120 से 25 किलोमीटर गाड़ी चल रही है डबल लोड में, तो भाई बहुत अच्छा है। और फिलहाल इसका मैं ये बता दीजिए, इसका टायर कितने साइज का है? इसका व्हील बेस आगे का है 90-80-17, और रियर का है 120-80-17। भाई टायर की साइज तो काफी मोटी अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, और दोनों ट्यूबलेस है। अच्छा, ट्यूबलेस टायर भी मिल रहा है इसमें। ओके, और सबसे मेन बात भैया कि प्राइस आप बता दीजिए। प्राइस अभी एक शोरूम इसका है, ऑन रोड एक शोरूम है 1,54,000, और ऑन रोड है 1,77,000, उसमें RTO इंश्योरेंस सभी चीज इंक्लूडेड, सारा कुछ इंक्लूड होकर 1,77,000 रुपीस पड़ रही है भाई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं देना होगा? नहीं, कुछ भी देना नहीं होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। और क्या इसके लिए कुछ अलग से लाइसेंस लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ तो नहीं है? लाइसेंस लेनी है इसके लिए, लाइसेंस भी लेनी है। चलिए, ये तो ठीक है। और गाड़ी का लुक भाई देख लो, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ड्राइव करके भाई। आजकल जो पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार चार्ज करो भाई 110 से 20 किलोमीटर आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे फुल चार्ज करने में कितना टाइम लग जाता है? 0 से 100% चार्ज होने में 4.5 घंटा, मात्र 4.5 घंटा में। तो भाई क्या है ना कि रात को गाड़ी लगा दो चार्ज में और सुबह लेकर निकल जाओ, आराम से 120 किलोमीटर सफ़र करके आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं तो रास्ते में बंद हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं सर, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसका सर्विस सेंटर हर एक शहरों में अवेलेबल है जी। तो भाई देख लो अब क्या चाहिए, सर्विस सेंटर भी मिल गई, गाड़ी अच्छा माइलेज भी दे रही है, गाड़ी में पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इसे ड्राइव किया हूँ, काफ़ी मज़ा आया इसको ड्राइव करने में। तो भाई आप कमेंट करो आपको कैसा लग रहा है ये गाड़ी। बाकी मैं अपने सब्सक्राइबर को इसका एक बार आवाज़ सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई इसका साउंड जो है ना, एक सुपर बाइक की तरह साउंड दिया गया है इसमें।